अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने पढ़ना है 3.1D एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन्वर्स वेरिएशन का पता होना चाहिए कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि इंक्रीज़ आर डिक्रीज़ इन वन क्वान्टिटी काज इंक्रीज़ आर डिक्रीज़ इन अदर क्वान्टिटी। अगर एक क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट जो दूसरी क्वान्टिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, इसको डायरेक्ट वेरिएशन करते हैं कहते हैं। इसी तरह वेरिएशन की जो दूसरी टाइप है वो है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन ये होती है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान ऐसा रिलेशन कि एक इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ करनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट, और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट का ये बिल्कुल ऑपोजिट है। डायरेक्ट में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही थी तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन इन्वर्स में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। इसको हम कहेंगे इन्वर्स वेरिएशन। जैसे मैं कहती हूँ कि एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाई, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाई। बाकी सारा मेथड वैसा ही है। हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वल टू के का साइन लगाएंगे, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में था के ओवर वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें जो गिवन वैल्यू होगी वो यूज़ करते हुए हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर एक्स की गिवन है तो वाई की कर लेंगे, अगर वाई की गिवन है तो एक्स की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सिर्फ उसने ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इन्वर्स वेरिएशन। आम स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो इन्वर्स वेरिएशन है और कौन सी इन्वर्स नहीं है। जैसे कि फर्स्ट उसने दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉर्स रिक्वायर्ड फॉर अ ब्लॉक ऑफ आइस टू मेल्ट एन एम्बिएंट टेम्परेचर। यहाँ उसने ये बोला है कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है आइस का तो गिवन टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, उसके एयर का टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, मतलब रूम टेम्परेचर भी हो सकता है गिवन टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब ये होगा कि वो गिवन टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे ब्लॉक को मेल्ट होने में। देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो जल्दी मेल्ट होगा, आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और आइस डिक्रीज़ हो रही है, ये होगा इन्वर्स वेरिएशन। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है इन्वर्स का। इसका सेकंड उसने दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टॉयज आर चाइल्ड बाय एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, एक बच्चा है बाज़ार जाता है खिलौने लेता है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा खिलौने लेगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम लेता है तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। इसी तरह अगर देखें खिलौने, अगर टॉयज़ उसके इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर रही है, अगर टॉयज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं कम ले रहे हैं तो कॉस्ट भी उसकी उसी तरह कम होगी। ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगी, ये हमारे पास होगी डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी उसके रिस्पेक्ट इंक्रीज़ कर रही है। उसी तरह थर्ड हमारे पास दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पाइप्स कनेक्टिंग कनेक्शंस फिलिंग अ वाटर टैंक एंड टाइम टेकन टू फिल इट। हमारे पास पाइप कनेक्शंस हैं, हमने एक वाटर टैंक फिल करना है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा पाइप कनेक्शंस होंगे तो हमारे पास जो टैंक है वो जल्दी फिल हो जाएगा, अगर टाइम जो है वो हमारा कम लगेगा। ठीक है, यहाँ टाइम और कनेक्शंस के दरमियान रिलेशन है कि अगर हमारे पास कनेक्शन ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, पानी जल्दी भर जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर कनेक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, इन दोनों के दरमियान होगी इन्वर्स वेरिएशन। इसी तरह उसने कहा, द नंबर ऑफ मेसन्स बिल्डिंग अ होम एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट। हमारे पास मजदूर हैं, एक बिल्डिंग को हमने कम्प्लीट करना है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा आदमी होंगे, ज़्यादा मेसन्स होंगे बिल्डिंग को कम्प्लीट करने के लिए, तो हमारे पास डेज जो हैं वो कम लगेंगे। मतलब जो मेसन्स हैं वो अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेज डिक्रीज़ हो रहे हैं, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो ये भी हमारे पास होगी इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, लास्ट वन उसने दिया हुआ, द नंबर ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ फील्ड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द ग्रास इन द फील्ड। शीप्स हैं हमारे पास, चल रही हैं चारा, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड को ख़त्म करने के लिए जो टाइम है, अगर ज़्यादा शीप्स होंगी तो टाइम कम लगेगा, वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर कम शीप्स होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इन दोनों के दरमियान भी इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। उसमें उसने दिया हुआ है, इफ देयर इज अ इनवर्स वेरिएशन बिटवीन वाई एंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन व्हेन एक्स इक्वल टू 120 एंड वाई इक्वल टू 1.5। यहाँ उसने कहा है कि इनवर्स वेरिएशन है वाई एंड एक्स के दरमियान, मतलब वाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू है एक्स के। उसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे कैसे, इक्वल और के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम यूज़ करते हैं जो कि के है, वाई इज इक्वल टू के और एक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन में सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करते थे, दो वैल्यूज हमारे पास गिवन होती थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे। और उस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है हमारे पास एक्स इक्वल टू 120 एंड वाई इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करेंगे, इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे, के इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू के, आपके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू है 1.5 एंड एक्स की आपके पास वैल्यू है 120, तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो आएगी 180, क्योंकि इसका पॉइंट रिमूव करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 15 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180। अब यहाँ हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फंक्शन ऑफ वाई लिखना है, फंक्शन को वाई के लिए हमने लिखना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट उसने किसी वैल्यू का नहीं बोला कि आपने एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी फाइंड कर लें, हमने फंक्शन ऑफ वाई में इसको लिखना है। क्या करेंगे, सिंपली वाई ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, वाई इक्वल टू के ओवर एक्स। अब के की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, क्या है हमारे पास के की वैल्यू, मतलब हमने फाइंड की हुई है 180 ओवर एक्स। ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया है ये है y की फंक्शन फॉर y, इसको हम लिखेंगे कि फंक्शन फॉर y हमने कैसे फाइंड करना है, फंक्शन फॉर y हमने फाइंड करना है, तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया ये y के लिए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने थ्री क्वेश्चन देखे, इसमें आपने दिया हुआ है इफ़ y वेरीज इनवर्सली टू x एंड y इक्वल टू 30 व्हेन x इक्वल टू 6 फाइंड। इसके भी दो पार्ट्स उसने दे दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है कि वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 35, मतलब आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, y आपको 35 दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप अपने मेथड के मुताबिक सबसे पहले आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, y वेरीज इनवर्सली टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर x, y इक्वल टू k ओवर x। अब आपने यहाँ क्या करना है, k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं वो y उसने दे दिया 30 एंड x दे दिया उसने 6। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे इक्वेशन को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, y की वैल्यू है 30 एंड x की है, k हमारे पास आ गया 180। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी है, वाई आपको दिया गया 35, और सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ वाई आपने फाइंड करनी है जब एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 520। हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी है, एक्स आपने फाइंड करना है जब वाई आपको उसने दे दिया है 35। ठीक है, अब एक्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एक्स इक्वल टू के ओवर y, इंटरचेंज कर लेंगे इनके पोजीशंस को, तो x इक्वल टू k हमारे पास आ रहा है 180 और y है हमारे पास 35। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, 180 को आप डिवाइड कर लें 35 से, आपके पास आ जाएगा 5.14 इसका आंसर, 5.14 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5.14। ठीक है, इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना है, सेकंड में आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है और x का आपने 520 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर है, बिल्कुल सेम है, इफ़ n इनवर्सली वेरीज टू m एंड इफ n इक्वल टू 8.5 व्हेन m इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल टू 13। आपने क्या करना है, सबसे पहले m और n की वैल्यू जो गिवन है, n आपके पास 8.5 है और m आपके पास 7 है, इनको यूज़ करते हुए
आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जहां आपके पास n की वैल्यू 13 गिवन है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इसको सॉल्व करना है, सेम स्टेप्स हैं। बस आपने यहाँ जो रिलेशन लिखना है वो n इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/m यूज़ करना है। फिर आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 5 क्वेश्चन है ये, जिस तरह आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में उसने दिया था कि आपने टेबल को कंप्लीट करना था डायरेक्ट वेरिएशन से, यहाँ आपने टेबल को कंप्लीट करना है इन्वर्स वेरिएशन से। ठीक है, फर्स्ट टेबल उसने आपको दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन के लिए बताया था कि आप सबसे पहले टेबल में वो बॉक्स देखेंगे जहाँ एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज गिवन होंगी। अगर हम यहाँ भी देखें, हमने सबसे पहले टेबल में वो बॉक्स देखना है जहाँ एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी। उस बॉक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारी जो बाकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होंगी जिनको हमने फाइंड करना होगा, वो हम फाइंड करके टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टेबल आपने देखें, फर्स्ट वाला मैं आपको करवाती हूँ। इफ़ वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x, वही स्टेप्स हैं। टेबल उसने आपको दे दी है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हैं आपके पास। एक्स उसने आपको गिवन है, फर्स्ट वाले में एक्स आपको गिवन है, आपने वाई फाइंड कर लेना है। सेकंड वाले में एक्स और वाई दोनों गिवन हैं, और थर्ड वाले में आपके पास एक्स नहीं है और एट आपके पास वाई दिया गया है, आपने एक्स को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स, के इक्वल टू वाई एक्स। अब हमारे पास वाई और एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 3, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इस बॉक्स को देखना है। यहाँ आपके पास देखें एक्स की वैल्यू गिवन है लेकिन आपके पास वाई की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस के की वैल्यू को यूज़ करते हुए। ठीक है, आपके पास रिलेशन है वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। के है आपके पास 18 और वाई है 3, वाई इक्वल टू, अब 18 ओवर 5 है तो आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी 3.6। आपने टेबल में जाके लिख लेनी है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3.6। इसी तरह जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें आपको उसने वाई की वैल्यू दी हुई है लेकिन एक्स की वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, वाई इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स। अब यहाँ आपने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे वाई ओवर के इक्वल टू एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या है, 8 है हमारे पास और के की वैल्यू हमारे पास है 18 इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.25। बल्कि नहीं, अब यहाँ देखें आपके पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो अब 1/x ये भी इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स रिलेशन में आपके पास आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है एक्स का। आपने जबकि वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इसी तरह उलट लेंगे। आपके पास आ जाएगा 18/8। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.25। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने दिया हुआ है, इफ़ 16% कम्प्लीट अ वर्क इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज वुड 20% टेक टू कम्प्लीट द वर्क। 16% हैं वो कम्प्लीट कर रहे हैं वर्क को 20-30 डेज में। ठीक है, आपको पर्सन को आप क्या करेंगे, वाई रख लेंगे और डेज को आपने रख लिया एक्स। ठीक है, यह है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, हमें लेट कर लेना है कि आपके पास एक्स है 30 और वाई आपके पास है 60। ठीक है, इनके दरमियान है इन्वर्स वेरिएशन। एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/y, एक्स इक्वल टू के ओवर वाई। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हुए आपने फाइंड करनी है के की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के, के इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 30 और वाई की वैल्यू हमारे पास 16, तो इस तरह हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 480। अब चूँकि हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, पर्सन्स हमें दिए गए हैं, पर्सन्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, वाई।
तो हमने क्या करना है, वाई हमें गिवन है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इक्वल टू के ओवर वाई, के हमारे पास है 480 और वाई हमारे पास गिवन है, वो दिया गया है, परसेंट हमारे पास जो दिए गए हैं वाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 20 एक्स इक्वल टू 24। तो अगर हमारे पास पर्संस 20 होंगे तो हमें कितने दिन रिक्वायर होंगे काम को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 24। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है ये भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपने लैम्डा और एफ को यूज़ करते हुए आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, जबकि वेव लेंथ आपको दी गई है। वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा होगी, लैम्डा आपको गिवन है, एफ आपने फाइंड कर लेना है। इसी तरह जो इसके बी पार्ट है वहाँ आपको क्या वेव लेंथ, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपने क्या करना है, वेव लेंथ को फाइंड कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने रिलेशन को यूज़ करते हुए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k की वैल्यू और उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व कर लेना है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी उसके रिस्पेक्ट डिक्रीज़ करेगी, दूसरी उसके रिस्पेक्ट, और अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करेगी, इसको कहते हैं हम इन्वर्स वेरिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 3.1e, हम सॉल्व करेंगे, या इसमें हमने इन्वर्स वेरिएशन ही पढ़नी थी। अल्लाह हाफिज़।